भाजपा को लगा एक बार फिर जोर का झटका। बीजेपी जेडीएस से नाराज नेता होंगे कांग्रेस में शामिल। टूटकर बिखर जाएगी भाजपा, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके सुकुमार ने सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेडीएस द्वारा गठबंधन बनाने के फैसले के बाद दोनों पार्टियों के कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। साथ ही उन नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी संकेत दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची को जनवरी से पहले अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। श्री कुमार ने कहा, भाजपा जेडीएस गठबंधन के बाद कई भाजपा और जेडीएस नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करनी होगी। मैंने भाजपा जेडीएस नेताओं को बता दिया है कि चर्चा के बाद मैं उनसे संपर्क करूंगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कई भाजपा जेडीएस नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वे गठबंधन से खुश नहीं है क्योंकि उनसे सलाह नहीं ली गई थी। मैं पहले कांग्रेस के भीतर परामर्श करूंगा। मैंने पहले ही स्थानीय नेतृत्व से अपने स्तर पर अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें, जेडीएस ने शुक्रवार को अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। भाजपा जेडीएस विधायकों को पार्टी में शामिल करने के रास्ते में आ रहे दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूछे जाने पर केपीसीसी प्रमुख ने कहा, हम तकनीकी समस्याओं से अवगत हैं, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। साथ ही यह इंगित करते हुए राज्य सरकार के अधिकांश मंत्रियों को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, 28 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग अलग यानी कुल 28 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। वे 8 से 10 दिनों में 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम देंगे। हम जल्द से जल्द अंतिम सूची तैयार कर लेंगे। श्री कुमार कांग्रेस आला कमान के उस पत्र पर टिप्पणी नहीं करना चाहते थे जिसमें राज्य के नेताओं को राज्य में अधिक उप मुख्यमंत्री रखने के मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं करने को कहा गया था। इस साल मई में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनके और सिद्धारमैया के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कांग्रेस ने फैसला किया था कि श्री कुमार एकमात्र डिप्टी सीएम होंगे।